गाइज देखो, एक भाई ने कमेंट करा है कि भाई तुम बेस्ट यूट्यूबर हो, बोलते अच्छा हो, अच्छा एक्सप्लेन करते हो भाई, इसलिए तुम्हारे ही कंपेयर वीडियो देख के फ़ोन लूँगा। प्लीज़ हेल्प, रियलमी GT 60 लूँ या IQ Neo 9 Pro। मेरी चॉइस है कि चार्जिंग 120 वॉट हो, बड़ी बैटरी हो, गूगल डायलर ना हो, ओके, एवरेज प्रोसेसर हो, इनफैक्ट डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छा हो, 1.5K का हो, नेटफ्लिक्स में 4K चले। प्लीज़ सजेस्ट अ फ़ोन। वैसे तो मैंने आज तक Xiaomi Poco Redmi के अलावा कोई भी फ़ोन यूज़ नहीं किया है, रेयर भाई, क्योंकि Redmi Poco में कोई भी फ़ोन में A120 वॉट वाला नहीं है, Redmi Note 13 Pro Plus के अलावा, मगर उसमें बैटरी ड्रेन होता है, ओके। हालांकि मुझे Vivo IQ का UI पसंद नहीं, फीका फीका सा आइकॉन टैग दिखते हैं, मगर IQ का रेड कलर अच्छा लगा। प्लीज़ भाई मेरी विनती है, हेल्प करो। देखो भाई जो है ना, मेरे से ये हेल्प चाहते हैं ना कि मैं उनको एक ऐसा फ़ोन सजेस्ट करूँ ना जो इनकी ना रिक्वायरमेंट को बिल्कुल ही ना कंप्लीट करता हो। तो देखो भाई ने कहा है ना कि उनको 120 वॉट का चार्जर चाहिए या और इसमें 1.5K का रिजोल्यूशन अच्छा हो, वो नेटफ्लिक्स में हाई कंटेंट की वीडियो देख सके। इनफैक्ट भाई कन्फ्यूज़ है कि रियलमी GT 60 लूँ या IQ Neo 9 Pro लूँ। देखो भाई, अगर आपको ना IQ Neo 9 Pro और Realme GT 60 में अगर दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होगा ना, तो आप Realme GT 60 चूज़ करना। मैं रीज़न बता रहा हूँ। देखो ऑन पेपर अगर आप देखोगे ना, तो IQ Neo 9 Pro में ना फीचर आपको ज़्यादा दिखेंगे, सिर्फ दिखेंगे, क्योंकि उसमें स्नैपड्रैगन 8 Zen 2 का प्रोसेसर दिया हुआ है, इसके साथ साथ उसमें 8K की वीडियो रिकॉर्डिंग दिया हुआ है, 5100 mAh की बैटरी है, 120 वॉट का चार्जर है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको सेम टू सेम मिल जाएगा आपको Realme GT 60 में। वो अलग बात है, इसमें जो प्रोसेसर है 7 Zen सीरीज़ वाले, मतलब 7 प्लस Zen 3 का प्रोसेसर है, लेकिन इसके साथ ही साथ उसके कंपेयर में इसकी कैमरा क्वालिटी ज़्यादा है। इनफैक्ट इसमें 55 mAh की बैटरी, जबकि उसमें उतना तगड़ा बैटरी नहीं है। इसमें सोनी के काफ़ी सारे सेंसर लगे हुए हैं, मतलब इसके तीनों कैमरों में आपको सोनी के सेंसर देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको उस फ़ोन में देखने को नहीं मिलेंगे। और आप खुद सोचो, उसका प्राइस मे भी मैं मान सकता हूँ थोड़ा कम है, हो सकता है, लेकिन अगर प्राइस कम है ना, तो उसके अंदर की जो क्वालिटी होती है ना, वो आपको उतनी बेहतरीन नहीं मिलेगी। उसके मदरबोर्ड में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इनफैक्ट इतना ही नहीं, देखो अगर आपको ना थोड़े दोनों में कन्फ्यूज़न है ना, तो मैं कन्फ्यूज़न एक ही बार में क्लियर कर देता हूँ। आप एक काम करो, आपने रियलमी GT 6 रख लो। 6 में ना क्या है, आपको ना स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 का प्रोसेसर मिल जाता है और ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल, क्योंकि उसमें जो है बड़ा सेंसर मिल जाता है आपको, LYT के काफ़ी तगड़े सेंसर सोनी के मिल जाते हैं। इनफैक्ट फ्रंट कैमरा अच्छा, 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग 60fps पे कर सकते हो, पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग दिया हुआ है। इतना ही नहीं, उसमें 55 mAh की बैटरी, 120 वॉट का चार्जर है, उसमें HDR10+ के भी कंटेंट सपोर्ट करते हैं। अगर आप नेटफ्लिक्स पे कोई भी वीडियोस वगैरह देखते हो, तो आपको जो जैसा आपने बोला कि मेरे को फुल HD 4K में चाहिए, तो आपको वो क्वालिटी आपको उस फ़ोन से देखने को मिल जाएगा। इतना ही नहीं, उस फ़ोन में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 मिलता है, जो कि आपको IQ में ये चीज़ें नहीं दिया हुआ है। तो मजबूती के मामले में भी बड़ी 120 वॉट का चार्जर है। सबसे अच्छी बात बताता हूँ, आप उसे ना तगड़ी गेमिंग भी खेल सकते हो। इतना ही नहीं, अगर फ़ोन हीट होता है ना, तो उसमें जो है तो कूलिंग चैम्बर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो फोन ना जितनी जल्दी गर्म होगा ना, उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात बताता हूँ, रियलमी के फोन्स काफ़ी ज़्यादा लंबे चलते हैं, इनके मदरबोर्ड में कोई इशू नहीं आता है। और देखो अगर आप ऑनलाइन लेने को सोच रहे होगे ना, तो ऑनलाइन बिल्कुल ही मत लेना, क्योंकि बिग बिलियन डे आ रहा है, आपको लालच आएगा। देखो जो चीज़ें आपको ऑनलाइन वाले प्रोवाइड करेंगे ना, आप एक बार ना अपने लोकल मार्केट में विजिट करना, वहाँ आपको ना इससे बेहतरीन प्राइस, बेहतरीन ऑफर्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ एक रिटेलर से ना आपका रिलेशन बिल्ड होगा, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं ना, आप इससे समझ लो, आप रियलमी GT 60 भी रख सकते हो, और थोड़ा सा बजट है, थोड़ा सा पैसा है, अभी डिस्काउंट आने वाला है, तो आप जो है ना रियलमी GT 6 रख लो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइज। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है गाइज। ये वीडियो स्पेशल तुम्हारे लिए था, ठीक है, और कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल बताना, मैं रिप्लाई दूंगा। बाय बाय। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइक शेयर या सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगा हो तो।